हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जवान फिल्म अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है। इसका आंकड़ा 1000 के पार पहुंचने ही वाला है। शाहरुख खान ने अपने खुद की फिल्म पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जवान में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर राजनीति में बहुत ज़्यादा हलचल मच रहा है। यदि केजरीवाल कुछ कहते हैं तो कभी योगी। राजनीति में बहुत ज़्यादा जवान फिल्म को लेकर तहलका मच रहा है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जवान फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसे सीन थे जिनको लेकर सभी बहुत ज़्यादा क्रामक रूप में हैं। किसी को वो बातें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो कोई इस बातों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जवान फिल्म में हो रहे करप्शन के बारे में बात की गई है, वो दिखाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा मोदी सरकार को थप्पड़ मारने जैसा है और इसका सीधा सीधा असर वोटिंग पे होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जवान फिल्म किसानों के ऊपर डिपेंड है। उसमें बताया गया है कि एक किसान के ट्रैक्टर पे 13% टैक्स होता है, जबकि एक कार पे सिर्फ 8% टैक्स होता है। और इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा जवान फिल्म की चर्चाएं हो रही है कि ये आखिर किसके ऊपर निशाना साधा गया है। इस फिल्म में किसी भी पर्टिकुलरली सरकार का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए कभी बीजेपी कांग्रेस पे निशाना साधती है तो कभी कांग्रेस बीजेपी पे। आपको क्या लगता है कि किस सरकार के ऊपर तमाचा है? हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक देखकर हमारा जोश बढ़ जाता है, ताकि हमारा मन करता है आपके लिए और अलग से अलग अच्छे टॉपिक लाने का। थैंक यू।